कैलकुलेट करते हैं कि स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द मैट्रिक्स एफ वी इनवर्स, एफ हमारे पास ये मैट्रिक्स है और वी हमारे पास ये है। अब यहाँ पे जो एफ आई है वो ये कंपोनेंट शो कर रहे हैं और एक्स जे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स, और जो हमारा मॉडल है उसमें इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स चार हैं, ओकेजनल ड्रिंकर, ड्रिंकर और ड्रिंकर अंडर ट्रीटमेंट और रिकवर्ड, ये हमारे पास चार इन्फेक्टेड क्लासेस हैं। तो हम इन चार इन्फेक्टेड डी इस पूरे सिस्टम को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस वी ऑफ एक्स, और जब एफ का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल तो ये पूरा सिस्टम ऐसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा जी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है जी, एफ को भी 4x4 मैट्रिक्स होना चाहिए वी की तरह, और ये इसी तरह आएगा कि इसका फर्स्ट का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल तो वो फर्स्ट एंट्री, फिर इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वो सेकंड एंट्री, और टी वो थर्ड एंट्री, और आर वो फोर्थ एंट्री, और बाकी तीन रोज में 0-0 आएगा। ये हमारे पास एफ वी इनवर्स आ गया, और एफ वी इनवर्स की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएंगी, और जो मैक्सिमम आइगन वैल्यूज हैं वो ये है, और यही हमारा रिप्रोडक्शन नंबर है।